हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं दोस्तों ये HP का डिजिटल प्रिंटर की वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये पेपर ट्रे और पेपर जैम मिरर की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें मेनली E4 इरर आता है। और ये E4 इरर कैसे सही करते हैं आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और कैसे इसको सही करते हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहो, और वीडियो दोस्तों स्किप मत करो, वीडियो पूरा देखो तो समझ में आएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने प्रिंटर को ऑन किया और अभी ये दिखाएगा इसका एरर कोड। तो अभी दोस्तों एरर कोड आएगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए दोस्तों, E4 इसका एरर आ रही है, और साथ में वो जब हम इस पेपर वाले बटन को प्रेस करेंगे तब भी ये सेम प्रॉब्लम आएगा। अभी मैं कुछ पेपर दे देता हूँ, बट क्या है कि आप अगर ध्यान से देखोगे, अभी मैं पेपर ट्रे पर पेपर दिया, देखिए फिर से हुआ है सेम प्रॉब्लम। बट मैं पेपर दिया, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होगा बट आपको कुछ जानने को मिलेगा। ये देखिए थोड़ा सा खींच के और पेपर नहीं ले रहा है ये। थोड़ा थोड़ा खींच रहा है पेपर। ये देखिए धीरे धीरे पेपर आ रही है, और बार बार ये E4 इरर। तो ऐसे करते ही मैं यहाँ पर तीन पेपर दिया हूँ, तीनों पेपर ही बाहर निकल आएगा। अभी अभी आपको दिखाई देगा, देखिए ये बटन तो कुछ भी काम नहीं करेगा, स्टॉप बटन। ठीक है, एक कॉपी बटन काम करता है, बट जब भी मैं कॉपी बटन पर प्रेस करता हूँ तब जितने भी पेपर हैं सभी पेपर बाहर आ जाता है। तो यही है इसका प्रॉब्लम। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और मैं कंप्यूटर पर भी दिखा देता हूँ क्या एरर आ रही है। अभी ये मैं सॉफ्टवेयर को ओपन किया, और ये देखिए पेपर जैम और ट्रे प्रॉब्लम। ओके करूँगा फिर भी ये नहीं हटेगा, सेम प्रॉब्लम ही आएगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि पेपर अगर अंदर फंस गया है तब आता है ये प्रॉब्लम, कुछ अगर टूट गया है तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है ना, तो प्रिंटर को सबसे पहले खोलेंगे, इधर एक और इधर एक और ऊपर एक और ऊपर इस साइड, टोटल चार स्क्रू है। चारों स्क्रू को खोलेंगे, मैंने पहले ही स्क्रू निकाल लिया है, और अभी सामने से इसको उठाएंगे और पीछे से भी इसको उठाएंगे, उठा के ऐसे रखेंगे। देन फ्रंट पैनल की कनेक्टर और स्कैनर की केबल जो है, ये दो केबल को खोल के स्कैनर को साइड में रखेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा, और आप अपने प्रिंटर खुद ये सही कर सकते हो। इसलिए मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ, पूरा वीडियो, ताकि आप देख के पूरा अपने आप सही कर सकते हो। तो अभी ये लॉग है, ये हमारा कैरेज है, ये लॉग है फिलहाल। तो इसलिए हमें क्या करना है, लॉग को हटाने के लिए इधर एक बड़ा गियर दिख रहा है, इसको घुमाना होगा। घुमाते ही ये लॉग हट जाएगा। ये पहले वाले जो प्रिंटर आता था उसमें ऐसा नहीं था, बट ये नए मॉडल में दिया हुआ है। तो अभी मैं एक एक करके पूरा कनेक्टर और मदरबोर्ड को निकाल लूँगा,
क्योंकि मैंने इसका पेपर ट्रे की प्रॉब्लम है, तो पूरा स्क्रू में खोल के पूरा मदरबोर्ड को बाहर निकाल के इसको रख रहा हूँ मैं। एचपी का क्या है दोस्तों, पहले भी सेम इसका स्ट्रक्चर था अंदर की, जो आपका पेपर ट्रे होता है, पाइप वगैरह कैरेज वगैरह सेम टू सेम होता था। बट अभी इस मॉडल में थोड़ा सा अच्छा किया है। बट अब अगर ध्यान से देखोगे वो पेपर ट्रे सेम ही रहेगा, पहले भी जैसा था अभी ऐसा है। मोटर वगैरह वो आपका कैरेज बेल्ट एनकोडर सभी सेम रहे। तो चलिए एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हमें दोनों तरफ दो स्क्रू मिल रहा है, दोनों स्क्रू को खोलेंगे और बाई तरफ से एक कैरेज मोटर के ऊपर एक स्क्रू है, उसको भी खोलेंगे। तो वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले और टाइम भी थोड़ा सा कम ना आए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, अभी ये दाहिने साइड एक लॉक है, उसको ऊपर तरफ ऊपर की तरह हटा के इसको बाहर निकाल लेना है, और बाकी इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको हम साइड में रखेंगे। बट उससे पहले हमें ये पाइप को हटाना होगा। पाइप को हटाने के लिए दोस्तों अब अगर ध्यान से देखोगे देखोगे दोनों तरफ इसका लॉक रहता है, ये हमने दाहिने तरफ की लॉक हटाया और बाएं तरफ एक लॉक है, उसको भी बाहर की तरफ खींचेंगे तो आ जाएगा। अब इसको साइड में रख के ये हमारा दूसरा प्रोसेस चालू हो गया दोस्तों। यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है, पहले इस स्प्रिंग को खोलेंगे। देखिए दोस्तों स्प्रिंग भी थोड़ा सा अजीब है, अजीब मतलब यहाँ पर टोटल तीन स्क्रू है, तीन चार स्प्रिंग होता है और तीनों चार स्प्रिंग का साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा है, वो आपको ध्यान से देखना होगा। और इधर का भी स्क्रू है, स्प्रिंग है सॉरी, इसका भी सेम, मतलब ये दोनों तरफ का स्प्रिंग सेम ही रहेगा। बाकी अंदर और एक होता है, उसका भी साइज़ थोड़ा सा छोटा है। अभी मैं स्प्रिंग को भी साइड में रख रहा हूँ। और दोस्तों और एक बात, पहले इसको लॉक होता है, इस लॉक को हटाना पड़ेगा, इधर लॉक रहता है। अब अगर ध्यान से देखोगे मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक को हटाया, देन मेरे को ये स्क्रू खोलना होगा, दो स्क्रू लगा हुआ है इसमें, ये दो स्क्रू को मैंने खोल लिया है अभी। इतना क्यों खोल रहा हूँ इसका कारण है, मैं बता दूंगा बाद में आपको। और पीछे देखो देखो लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को इधर धकेलना पड़ेगा। देखिए प्रेस कर रहा हूँ मैं, अंदर चले जा रही है, टोटल तीन है ऐसा, ये देखिए। और चूहे ने देखो ये होल थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया इसका, यही से चूहे ने घुस के स्प्रिंटर को काटा है थोड़ा सा। अच्छा वो बात की बात है। अभी देखो इसको खोलने के लिए सिंपल, हम उसको ऊपर उठाएंगे और ये निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए ये निकल गया। अभी दोस्तों और एक बात आपको ध्यान देना होगा, ऐसे आपको देखना होगा कि ये सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, अभी इस पूरे असेंबली को बाहर निकालेंगे। इसके लिए देखो इधर भी एक स्क्रू लगा है, ये स्क्रू को खोलेंगे और एक है ऊपर की तरफ, इसको भी खोलेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखना और स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए दूसरा स्क्रू निकल गया हमारा, और इसको अभी आहिस्ता से उठाएंगे, बिल्कुल धीरे से, थोड़ा सा डाने तरफ को लेके इसको उठाएंगे तो ये
हमारा बाहर निकल आएगा। और ये स्प्रिंग गिर गया है, मेरे को लगता है ये स्प्रिंग पहले गिरा हुआ था, क्योंकि मैं तो स्प्रिंग इधर देखा नहीं। और फिर भी मैं बाकी सब चेक कर लेता हूँ, मेरे को तो और कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, सब कुछ सही दिख रहा है। तो स्प्रिंग ये पेपर अगर इसमें ज़्यादा चले गए हो तो ये स्प्रिंग गिर सकता है, मेरे ख्याल से स्प्रिंग का ये प्रॉब्लम था। ठीक है, और ये पत्ती, इसको अच्छी तरह बिठाना होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से स्प्रिंग का ही प्रॉब्लम था, क्योंकि ये स्प्रिंग मैं जब प्रिंटर को खोल रहा था तब ये स्प्रिंग बाहर नहीं था। और ये कहाँ लगता है ये भी मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे स्प्रिंग ये कहाँ लगता है, आपको ध्यान से देखना होगा तभी आप लगा पाओगे। और ये जो स्प्रिंग है, पहले जब मैं दोनों स्प्रिंग खोला था वो दोनों स्प्रिंग से ये स्प्रिंग थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, इस तरफ से लगेगा, देखो ध्यान से इसका लोकेशन देखना। और ये देखो स्प्रिंग हमारा इधर लग गया है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो प्रिंटर है ये किसी दूसरे मैकेनिक ने देखा था और उसने कस्टमर को 4-5 महीने घुमाया, फिर भी उससे ठीक नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से उसने ध्यान नहीं दिया होगा, वो स्प्रिंग नीचे गिर गया। उसने भी सारा सेंसर वेंसर सब कुछ उसका खोल के रख दिया। मैंने भी 2-4 जगह देखा कि इसका सेंसर का काम हुआ है, बट वो सही कर नहीं पाए। बाद में कस्टमर मेरे पास ले आया तो मैंने इसका पूरा सब कुछ खोल लिया, इसका खोल के देखा कि सर्विस के स्प्रिंग निकल गया है। तो अभी मैं इसको फिर से सेटिंग कर रहा हूँ, जैसे हमने खोला था ठीक उसी तरह हमने इसको लगाना होगा सही से। अभी लगा के देखेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों आपको ये सब कुछ ध्यान से खोलना होगा और ध्यान से लगाना होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, बट ये बहुत आसान है। अभी स्प्रिंग को लगा देते हैं। स्प्रिंग का लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पहले ऊपर से लगाओ देन उसको नीचे से इधर से खींचो और यहाँ पे लगा दो। ये सबसे आसान तरीका है, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से लग गया है ये। और अभी हम इसके ऊपर जो था व्हाइट वाला ये है, इसको लगाएंगे। और इसके नीचे ही आपका पेपर सेंसर रहता है, पेपर काउंटिंग सेंसर, वो पेपर को काउंट करता है। पता नहीं ऐसे ही कुछ सेंसर लगा है। अभी हमने जैसे जैसे खोला था वो लॉक, ठीक उसी तरह उसके लॉक को उसके सेम जगह पे रख देंगे, देन उसका स्क्रू भी लगा देंगे। और ये बाएं तरफ का ये जो लॉक है इसको भी बिठा देंगे उसके जगह, देन ये स्प्रिंग रहेगा है, इस स्प्रिंग को भी लगा देंगे। तो बहुत ही आसान है ये, आप भी कर सकते हो।
ये देखो, पहले ऊपर से लगाया और फिर ये यहाँ से लगा दिया। बहुत आसान तरीके से ये लग गए स्प्रिंग। अभी दोस्तों हमें ये इन पाइप को लगाना होगा, ढक्कन ये है, और ध्यान देना होगा नीचे की स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जगह भी देख के लगाना होगा। देना हम एक एक करके इसको पूरा फिटिंग करते हैं। आप अगर ये फिटिंग का वीडियो नहीं देखना चाहते हो थोड़ा सा स्किप करके जा सकते हो, अगर पूरा देखना है तो देख सकते हो। अभी भी एक एक करके स्क्रू को भी लगा देंगे, जैसे हमने खोला था ठीक उसी तरह इसको लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो तो मैं मेरे पास बहुत सारा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बट क्या है कि टाइम की बहुत ही कमी है, क्योंकि दिन भर काम करता हूँ और सिर्फ रात को ही टाइम मिलता है। अभी रात की 12:40 हुआ है, यानी कि 1 बजने को और 20 मिनट बाकी है। अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर सुबह उठ के दुकान जाना होगा, फिर काम पे जाना होगा, ऐसे करके टाइम ही नहीं मिलता। और साथ में कैमरा पकड़ने को कोई है भी नहीं। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, तब मैं कुछ कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा। अभी दोस्तों आज हम ये अभी यहाँ पे इनकोडर लगाना सिर्फ बाकी रह गया था, तो मैंने इनकोडर को भी लगा दिया है और अभी स्कैनर को लगा देंगे। पूरा मैंने फिटिंग सब कुछ कर लिया है, जैसे हमने खोला था सेम उसी तरह लगा दिया मैंने। अभी स्क्रू को बाद में लगाएंगे, पहले टेस्टिंग करके देख लेते हैं। अभी मैं पावर केबल को लगा दिया और ये प्रिंटर को ऑन किया, देखते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि प्रिंटर रेडी होने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। और एक बात दोस्तों आप ध्यान दोगे, अभी देखो अभी प्रिंटर बिल्कुल रेडी हो गया। अभी ये थोड़ा सा टाइम लिया, दो दो मिनट के ऊपर लिया है। मैं वीडियो को बहुत फास्ट किया, 4x तक, ठीक है। तो प्रिंटर हमारा रेडी है और मैं एक कॉपी दे दिया है, देखते हैं। अभी भी फास्ट ही चल रहा है, अभी शायद 2x पे चल रहा है। ये देखिए हमारा प्रिंट अभी आ रहा है, कॉपी आएगा अभी, कलर प्रिंट कलर कॉपी अभी आएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छा प्रिंट आया है इसका। और अभी मैं कंप्यूटर से भी एक प्रिंट देता हूँ, मैंने टेस्ट प्रिंट दिया है इसका, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये 4-5 महीने से पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो 50-60 कॉपी निकलने के बाद ये सही हो जाएगा। ये देखिए एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है इसका। सो वीडियो अच्छा अगर लगे दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।